अगर परिवार में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है? अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना, यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। देश में नफरत फैल रही है और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा, भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने, राहुल जी हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है, किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है।